देश के अनुसूचित जाति के लिए 5 करोड़ से भी अधिक छात्रों को आने वाले 5 सालों में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए का 60% खर्च करेगी, जबकि शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जानी है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नितिन कुमार ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नीतियों को केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से लागू कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार का यह प्रयास रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व स्तरीय नेता बनकर न उभरे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 5 साल की अवधि के भीतर GER राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ग के निरक्षर माता पिता के बेटे बेटियों को यह छात्रवृत्ति प्राथमिकता के आधार पर मिलेगी। उन्होंने बताया कि गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण DBT मोड के माध्यम से और अधिमान्य आधार सबल भुगतान प्रणाली का प्रयोग में लाकर किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में DBT मोड के माध्यम से राशि जारी होगी। के लिए जा रहा है वो हमारी सरकार, वो मोदी सरकार है। बाबा साहब शुरू से ही कहते रहे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा के ऊपर उनका हमेशा से ही फोकस रहा है। वो अनुसूचित जाति वर्ग तो हमेशा से ये कहते रहे कि आप जितना अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना आपका जीवन स्तर है जो है वो सुधरेगा। और इसी कड़ी में आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी कड़ी में जो 23 दिसंबर को कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसमें 59,048 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति अगले 5 सालों में केंद्र की तरफ से ये दी जाएगी। इसमें 60/40 का रेशो रहेगा। सर ये छात्रवृत्ति का नाम अभी डिसाइड जो नई आई है वो नहीं किया गया है, पुरानी में ही अनुसूचित जाति वर्ग को जो छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC/SC वो है, ये 10वीं के बाद के लोगों को दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो ऑन एन एवरेज 11,000 करोड़ रुपए उस पर सरकार खर्च करती है। इसको बढ़ाकर एक साल में 6,000 करोड़ के लगभग कर दिया गया है, यानी ये तकरीबन 5 गुना जंप इस सारी चीज में किया गया है। और इसमें जो है 60 लाख जो विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और एक इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1.34 करोड़ ऐसे विद्यार्थी जो ड्रॉप आउट हो जाते थे उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा अगले 5 सालों में। और इनको मुख्य धारा में लाने के लिए इस छात्रवृत्ति की और खासियत यह रहेगी कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा कलेक्ट कर रही है सरकार, उसमें जो सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी वो गरीब, तो इसमें प्राथमिकता है ही, पर गरीबों में भी वो लोग जिनके माता और पिता दोनों निरक्षर हैं उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अगली प्राथमिकता गरीबी के आधार पर रहेगी। और प्रदेश की सरकारें थी वो अपने हिसाब से इस राशि को खर्च करती थी, कोई करती थी कोई नहीं भी करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें रोबस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, इसका जो भी डाटा है वो केंद्र सरकार अपने पास मंगवाएगी और जो राशि है वो सरकार को ना देते हुए केंद्र सरकार सीधे जो लाभार्थी है उसके उसके खाते में डलवाएगी। इसलिए ये अपने आप में एक अनूठी स्कीम है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो इसका गलत उपयोग करते थे या वो तो ठीक करते थे पर लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल पाता था, वो कहीं और ही बिचौलिए कई थे जो इसमें गड़बड़ कर जाते थे। तो ये जो हमारी सरकार का जो उद्देश्य है कि जब 100 रुपए ऊपर से चलता है तो 100 रुपए ही लाभार्थी को मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें करने जा रहे हैं। घोषणा की है जिसमें कि 59,048 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी छात्रवृत्ति की योजना लॉन्च की गई है। अगर हम इस सारे विषय को ध्यान दें तो ये जो छात्रवृत्ति की योजना है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 1944 से शुरू हुई है, और जब हम आजादी से पहले की बात करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बिना ये सारी बात अधूरी रह जाती है।
जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके हमेशा से ही नेहरू जी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे, उसी कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू जी ने दो बार उन्हें उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया और उन्हें हराया। ये सिलसिला यही नहीं रुका, बाबा साहब एक पूरे विश्व के नेता ना बन पाए ऐसा प्रयास शुरू से ही कांग्रेस की सरकार का रहा।